हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ बैंगलोर के द वेरी फेमस मॉल मंत्री मॉल। इसको मंत्री स्क्वायर मॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये है पार्किंग एरिया। हम जा रहे हैं हमारी टू व्हीलर पार्क करने के लिए। आप अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर यहाँ बेसमेंट में पार्क कर सकते हो। ये मॉल में आपको मेट्रो रेल कनेक्टिविटी भी मिल रही है। आप यहां पे ओला उबर और बीएमटीसी बस से भी इजीली पहुंच सकते हो। ये लोकेटेड है मल्लेश्वरम में। चलिए हम अंदर मॉल के आ चुके हैं। हमने लिफ्ट से डायरेक्टली ऊपर सेकेंड फ्लोर पे आ गए हैं। अगर आप मेन एंट्रेंस से आ रहे हो तो आप सीजनल डेकोरेशंस दिखाई देगा, स्पेशली न्यू ईयर्स दिवाली क्रिसमस के टाइम पे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा डेकोरेशंस होता है मेन एंट्रेंस के। फरवरी का महीना है एंड अभी भी सेल चल रहा है। मोस्टली आपको दिसंबर और जनवरी में सेल दिखाई देता है, मगर यहाँ पे मुझे मॉल में तो हर दुकान में बाय वन गेट वन 50% 70% ऐसा ही सेल दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आपको कई सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स दिखाई देंगे, मोमोसो जॉकी स्पाइकर एंड कई सारे दुकान यहाँ पे देखिए। आपको मैं यहाँ से दूर से ही ये सारे आउटलेट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर है बैग लाइन और कई सारे ईच एंड एवरी शॉप तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगी, बट ये जितने भी मैं कवर कर पा रही हूँ उनको मैं दिखा देती हूँ। YLG में भी 100% सेल चल रहा है। मुझे पता नहीं 100% सेल क्या है, बट ट्राई करना होगा। एलन सॉली और बाटा और इंच फाई, यहाँ इंच फाई में मुझे कुछ 70% या 60% का सेल दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे फुटवेयर सेल पे लगे थे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड चेकआउट। ये मॉल में मुझे कई सारे सैलून्स दिखाई दे रहे थे। ये है प्ले सैलून, इसके पहले मुझे YLG भी दिखाई दे रहा था एंड और एक सैलून भी यहाँ पे था। यहाँ पे है वाइल्ड क्राफ्ट। ये हम है सेकंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए ओवरऑल व्यू, बेसमेंट का नीचे का व्यू कैसे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड ऊपर है टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे भी हम लोग जाएंगे मगर इस वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे। यहाँ पर है और एक मेजर ब्रांड पैंटलून्स। यहाँ पर देखिए ऊपर से आपको प्ले जोन दिखाई दे रहा है। हम आगे ऊपर भी जाकर चेकआउट करेंगे प्ले एरिया प्ले जोन जो भी है। यहाँ पे आपको देखिए ये है चहक चनपटना टॉयज़ की छोटी सी दुकान, ये है इनामर एंड यहाँ पर है आगे होम टाउन मोबिकिन्स और कई सारे छोटे मोटे दुकानें। आपको कई सारे आउटलेट्स दिखाई देंगे गैजेट्स एंड ऑल। और एक बार मैं आपको बता दूँ, मंत्री स्क्वायर मॉल की गिनती इंडिया के बिगेस्ट मॉल्स में होती है। और ये है यहाँ पे छोटा मोटा प्ले एरिया बिल्कुल होम टाउन के आगे। यहाँ पे आपको छोटे मोटे राइड्स दिखाई देंगे और यहीं पे आपको इसकी पेमेंट करके राइड्स यूज़ करनी होगी, जिसकी कीमत 100 रुपये से स्टार्टिंग थी। ये एयर बोन कुछ टैम्पोलिन कुछ ऐसा था यहाँ पे, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। हम अभी भी सेकेंड फ्लोर पर ही है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मॉल कितना बड़ा है। यहाँ पर आ गई है 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी की शॉप। मुझे यहाँ का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ है स्पिनी, कई सारे गिफ्ट शॉप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने अप्रोक्सीमेटली सेकेंड फ्लोर पे 50 आउटलेट्स तो एक्सप्लोर किए होंगे। अभी भी हम सेकेंड फ्लोर पे ही है और हम ढूंढ रहे थे ये बॉडी शॉप और हमें मिल चुका है ये बॉडी शॉप। तो चलिए जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। बॉडी शॉप में शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे हैं मेट्रो में। मेट्रो एक फुटवेयर की शॉप है और हमें यहाँ से शॉपिंग करनी है, तो हम यहाँ पर भी कर लेते हैं शॉपिंग। शॉपिंग के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ है मान्यवर। मान्यवर आपको पता ही है कितना मेजर ब्रांड है। यहाँ पे पेलेस ऐसा कुछ फुटवेयर की और एक दुकान थी और यहाँ पे SK ज्वेल्स और ऐसे कई सारे स्वीट फैक्ट्री ऐसे छोटे मोटे दुकानें आपको इन बिटवीन भी दिखाई दे रहे हैं। ये शायद हम लोग हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे एंड यहाँ पे आपको H&M ऐसे कई सारे आपको ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं अभी ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में आपको हश पपी शुगर एंड डोमिनोज पीटर इंग्लैंड ऐसे कई सारे दुकानें दिखाई देंगी। ये है इमेजिन और यहाँ पे कई सारे है दुकानें आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे है हमारी शॉपिंग बैग्स, हमारी मोची एंड बॉडी शॉप की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है एंड बट ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि हम अभी भी
एक्सप्लोर कर रहे हैं इस मॉल को। यहाँ पे कुछ परफ्यूम वाली कुछ दुकान दिखाई दे रही थी, ये है R&B, नायका में भी चलिए हम लोग कुछ चेकआउट कर लेते हैं। नायका में यहाँ पर है हश पपीज, डॉमिनोज, मगर अभी हम चलते हैं ऊपर और हम पहुँच गए हैं ऊपर। ये है स्केरी हाउस यानी भूतिया घर। आप यहाँ पे मिरर मेज भी ट्राई कर सकते हो। मुझे ये स्केरी हाउस, मिरर मेज एंड आइनॉक्स देखकर गरुड़ा मॉल वाली फीलिंग आ रही है। गरुड़ा मॉल का भी मैंने वीडियो इन डिटेल बनाया है, अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आइनॉक्स में कुछ VR हायरिंग डाला हुआ है, अगर आप जॉब के सर्च में हो तो आप यहाँ पर आके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर है आइनॉक्स और मैंने अभी तक मंत्री स्क्वायर वाले आइनॉक्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई हैव गॉन टू डिफरेंट सिनेमा हाउसेज इन दी सिटी, मगर यहाँ पे मैं नहीं आई हूँ। ये है इसका फूड कोर्ट। फूड कोर्ट देखिए कितना बड़ा फूड कोर्ट दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ के थोड़े से रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। हम सारे तो रेस्टोरेंट्स नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एक बैंगलोर की ब्लॉगर हूँ और मैं अपना शॉपिंग एंड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते रहती हूँ। यहाँ पर देखिए टॉडलर ऐसा कुछ प्ले एरिया है, टॉडलर्स एंड स्मॉल किड्स के लिए। ये बहुत ही मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। फॉर 1 hour और समथिंग आपको यहाँ पे 300 rupees पे कर आपके बच्चों को यहाँ पर छोड़ के आप आराम से घूम फिर कर आ सकते हो। चलिए यहाँ पे और भी बहुत सारे प्ले एरियाज हैं। यहाँ पर मुझे स्मैश दिखाई दे रहा है ऑन द राइट साइड, एंड अगर आप यहाँ पे सीधा जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ प्ले ऐसे अम्यूजमेंट थिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेकआउट करते हैं क्या क्या है। आपको यहाँ पे छोटी सी मिनी ट्रेन ऐसा कुछ है ये वाली दिखाई दे रही थी, एंड इसके आगे ये वाला था बच्चों के लिए, एंड यहाँ पे अमीबा गेमिंग सेंटर भी है। स्मैश गेमिंग सेंटर, अमीबा गेमिंग सेंटर, कितने सारे गेमिंग सेंटर्स है। एंड दैट्स वाई आई वंडर दिस इज़ कॉल्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट मॉल्स इन कंट्री। यहाँ पे देखिए आपको ये स्मैश वाला 70 rupees से स्टार्टिंग है। तो आपको यहाँ पे वाइड वैरायटी है, आप सिलेक्ट कर सकते हो आप किस गेमिंग जोन में जाना चाहते हो। यहाँ पे आपको बारबेक्यू का एक आउटलेट दिखाई दे रहा है। दिस इज़ नॉट द बारबेक्यू नेशन, ये दूसरा वाला बारबेक्यू है। और यहाँ से ओवरव्यू देखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।